उत्तर प्रदेश में आरिफ और सारस की दोस्ती बेमिसाल हो चली है। पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अब भाजपा नेता वरुण गांधी भी इस दोस्ती के कायल हो गए हैं। याद दिला दें कि अमेठी के जामो ब्लॉक निवासी आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में हुई थी। आरिफ को सारस खेत में जख्मी हालत में मिला था। उसके दाहिने पैर पर चोट लगने से खून निकल रहा था। उसके पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। उसके बाद सारस को खेत पर किनारे लिटा दिया। इसके बाद लगातार उसकी देखरेख करते रहे। सारस आरिफ के घर पर ही रहने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मिसाल बन गई। अब उनका बिछड़ना भी सुर्खियों में बना हुआ है। राजनीति का केंद्र बन चुका सारस करीब 27 दिन के बाद अपने दोस्त आरिफ से मिला। चिड़ियाघर के वन्य जीव अस्पताल में रह रहा सारस आरिफ का दुलार पाकर चहक उठा। उसने पंख खोलकर दोस्त आरिफ का स्वागत किया। क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को सारस से मिलने की इजाजत मिली है। सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए चिड़ियाघर प्रशासन ने आरिफ को सारस से मिलने की अनुमति दी। आरिफ 10 मिनट तक दोस्त सारस के पास रुका। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने प्रशासनिक अधिकारियों से सारस को पक्षी विहार में छोड़ने की मांग रखी। वहीं वरुण गांधी ने कहा कि पक्षी को अपने दोस्त आरिफ के पास छोड़ देना चाहिए। वरुण गांधी ने इसके लिए ट्वीट भी किया। सांसद वरुण गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है, सारस और आरिफ की कहानी खास है। एक दूसरे को सामने पाकर इन दोनों दोस्तों की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्चल और पवित्र है। ये खूबसूरत जीव स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। उसे उसका आसमान, उसकी आज़ादी और उसका मित्र वापस लौटा दीजिए। सांसद ने कहा कि पक्षी को उस व्यक्ति से फिर से मिला देना चाहिए जिसने इसको बचाया था और एक साल से ज़्यादा समय तक इसकी देखभाल की थी। अब सारस को आरिफ से अलग कर दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने सारस को कानपुर चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लुप्तप्राय पक्षी को प्राकृतिक वातावरण में रहने की आवश्यकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरिफ और सारस को अलग करने के मामले में सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया था। इससे पहले वो अमेठी में सारस और आरिफ से मिलने के लिए भी पहुंचे थे। दो दोस्तों को अलग करने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर कई बार निशाना भी साधा था। VK News, राष्ट्र के नाम।